नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27, 28 और 29 जुलाई की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों से साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आपके इन दिनों को और भी बेहतर बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 27 जुलाई की बात करें तो दोस्तों इस दिन मंगलवार का दिन होगा, कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि और सद्भिषा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो शोभन नाम के योग के उपरांत अतिगण नाम का शुभ योग रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह मंगलवार के समय यह योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहेंगे। राहुकाल का समय दिन शाम के 3:50 से लेकर शाम के 5:28 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे आप राहुकाल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। और दोस्तों चंद्रमा दिन कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें तो बुधवार का दिन होगा, पंचमी तिथि और पूर्व भद्रा नक्षत्र के साथ ही शुक्रमा नाम का योग रहेगा। राहुकाल का समय दोपहर के 12:33 से लेकर दोपहर के 2:11 रहेगा और चंद्रमा दिन मीन राशि में ही संचार करेंगे। वही दोस्तों आखिरी दिन की बात करें तो गुरुवार का दिन होगा, षष्ठी तिथि, उत्तरा भद्रा नक्षत्र और इस दिन धृति नामक शुभ योग रहेंगे। दोस्तों इस दिन भी राहुकाल का समय दोपहर के 2:11 से लेकर शाम के 3:49 रहेगा। चंद्रमा इस दिन भी मीन राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय सोच बहुत ही सकारात्मक रहेगी, लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, शत्रु टिक नहीं पाएंगे, विदेशों से लाभ या फिर विदेशी यात्रा का प्रबल योग है। दोस्तों धार्मिक यात्रा या फिर आपके माध्यम से कोई धार्मिक कार्य यश में पूर्ण होगा। जमीन जायदाद के मामलों में यश में आपको सफलता मिलेगी। वही दोस्तों यश में नेगेटिव की बात करें तो अगर आप छात्र हैं तो दोस्तों आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों आने वाला यह समय क्योंकि शनि आपके अभ्यास स्थान में है, दोस्तों भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा ही परंतु विवाद भी संभव है, विशेषकर बड़े भाई से संतान और गर्भवती महिलाओं के लिए यश में थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। वही दोस्तों इन दिनों में आपको परिस्थिति से लड़ना भी पड़ सकता है, दूसरे की मदद करें, सलाह भी दें, लेकिन किसी भी स्थिति को इस तरह आने न दें जिसमें आपका अपना नुकसान होने लगे। अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान देना न भूलें, किसी भी परिस्थिति में खुद के हितों को अनदेखा न करें। दोस्तों यश में अपने मन की आवाज़ अवश्य सुने, यदि कोई बात आपको उचित न लगे तो उसे टालने की यश में आप प्रयास करें। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में करियर में आपको कुछ लाभ मिलने की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। दोस्तों यश में यदि कारोबार विस्तार गति पकड़ने लगे तो दोस्तों आपको दुस्साहस एवं किसी को धन उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा आप लाभ से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपके जीवन साथी से आपके संबंध काफ़ी बेहतर होंगे, लेकिन आपके ससुराल पक्ष और आपके परिवार के बीच में कुछ कहासुनी यश में हो सकती है। दोस्तों ऐसे योग बन रहे हैं, ऐसे में आपको स्थिति को संभालने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यश में रिश्तों के लिए दिन सकारात्मक भी रहेगा, आपको साथी के साथ अपने भावनाओं को शेयर करने का समय मिलेगा। दोस्तों आप अपने साथी के साथ विनम्र व्यवहार करें, अपने वाणी पर यश में मधुरता लाएं, इससे दोस्तों आपका प्रेम जीवन और भी सकारात्मक दृष्टि की ओर बढ़ेगा। वही दोस्तों हेल्थ को लेकर अगर बात करें तो यश में पाचन तंत्र से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। दोस्तों यश में आपको स्वास्थ्य के मोर्चे पर किसी भी बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दोस्तों यश में आपके जीवन में कुछ अलग और असाधारण करके बताने की इच्छा प्रबल बनेगी। दोस्तों यश में पूरे आपका जो मूड है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। दोस्तों आपका उत्साह यश में आपको सफलता का सोपान पार कराएगा। ग्रह आपके पक्ष में है, इसलिए दोस्तों यश में चुनौती स्वीकार करने से इनकार न करने के लिए गणेश जी कहते हैं। वही दोस्तों यश में आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कार्यालय में कार्य को संभालने में आपके द्वारा दिखाई गई अद्भुत प्रतिभा की सराहना हो सकती है। कार्यों को प्रतिबंध करने के मामलों में आप माहिर रहेंगे। दोस्तों यश में हालांकि गणेश जी का सुझाव है कि आपको निर्णय लेने के दौरान सभी नफे नुकसान को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों यश में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों यश में आप शांतिपूर्ण जगहों में शाम बिताने का निश्चय करेंगे। किसी एकांक जगह पर अपने प्रिय के साथ समय बिताना आनंददायी अनुभूति होगी। एक सामंजस्यपूर्ण शाम आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगी, गणेश जी का विश्वास है। दोस्तों यश में अगर आपकी अर्थव्यवस्था की बात करें यानी आर्थिक स्थिति की तो दोस्तों यश में कुछ भी समझौता किए बिना धन की सहायता से अपने जीवन के स्तर को बनाए रखने में आप यश में सक्षम होंगे। आपको अधिक धन अर्जित करने के लिए ग्रह प्रेरित भी करेंगे। कड़ी मेहनत के काम किए बिना आप यश में थकान महसूस कर सकते हैं। दोस्तों यश में अच्छा भोजन खाएं, अच्छी तरह सोएं और अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए गहराई से सांस लें। अपने शरीर पर आवश्यक बोझ डालने से यश में बचें। शरीर को तरोताजा रखने के लिए बस आराम करिए। दोस्तों यश में आप शांत और तनाव रहित रहें। ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन यश में अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से आप बचें। दोस्तों बहन का स्नेह आपको प्रोत्साहन देगा, लेकिन छोटी मोटी बातों पर आपा खोने से यश में आप बचें, क्योंकि इससे आपके हितों को नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकी का सहारा लें। दोस्तों आपकी शैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नज़दीकी से गौर करते हैं। दोस्तों यश में परोपकार और सामाजिक कार्य आपको आकर्षित करेंगे। अगर आप ऐसे अच्छे कामों में थोड़ा समय लगाएं तो काफ़ी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह दिन आपके जीवन साथी का बेहतरीन पहलू आपको दिखाने वाला है। दोस्तों यश में अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाए रखने के लिए आप नहाने से पहले नाभि में तेल लगाकर फिर से पूरे शरीर में तेल लगाकर स्नान करें। इससे दोस्तों आपका आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगा। दोस्तों यश में वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा या फिर अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों में जो है पंच यज्ञ में से एक देव यज्ञ, इसे वेदों के पंच यज्ञ में से एक वैश्व देव यज्ञ कर्म कहा गया है। दोस्तों यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियाँ खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। साथ ही दोस्तों ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।